हेलो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे क्रिएटर्स के मुझे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स आते रहते कि भाई शेयर चैट एप्लीकेशन में क्रिएटर हब का फीचर कैसे मिल सकता है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे क्रिएटर्स के फ्रेंड जो ऐसे हैं शेयर चैट पर, उनको यहाँ पर क्रिएटर हब का फीचर मिला हुआ है और आप इससे वंचित है, आपको नहीं मिला हुआ। और ऐसे में आपके दिमाग में उल्टे सीधे सवाल आते रहते होंगे कि क्या क्रिएटर हब का फीचर लेने के लिए शेयर चैट पर पर्पल बैज होना जरूरी है या फिर गोल्डन बैज होना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि शेयर चैट एप्लीकेशन में क्रिएटर हब का फीचर्स लेने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया पूरा करने पर आपको फीचर दिया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा, और ये फीचर मिलने के बाद आपको कहाँ पर शो होगा और इस फीचर में आपको कौन कौन से टूल मिलेंगे जिससे शेयर चैट एप्लीकेशन में कुछ आप सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, नई जानकारी पा सकते हैं। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना ऑन कर दिया है जिसमें आपको शेयर चैट ऑफिशियल की तरफ से एक वीडियो आया है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो प्ले हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है शेयर चैट फीचर्स के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं। यू कैन एक्सेस क्रिएटर हब फ्रॉम द होम पेज ऑन योर प्रोफाइल। जब आपको शेयर चैट का क्रिएटर हब फीचर दिया जाता है तो आपकी प्रोफाइल पर दिया जाता है क्रिएटर हब का ऑप्शन। अब जैसे ही आपको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आने वाला है, कुछ इस तरह का क्रिएटर हब का पीले कलर का ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नया फीचर क्रिएटर हब में ही दिया जाता है एनालिटिक्स का, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल अब तक आपके जब से आपने शेयर चैट ऐप को ओपन किया था और पोस्ट का डालना शुरू किया था तब से लेकर आज तक लाइफ टाइम की आपको यहाँ पर पोस्ट दिखाई जाती है। आपकी पोस्ट पर कितने व्यूज आए हैं, कितने फॉलोअर्स आए हैं, टोटल लाइक्स कितने आए हैं, शेयर कितने आए, वो यहाँ पर आप एनालिटिक्स फीचर में देख सकते हो। एक क्रिएटर हब के फीचर का ही भाग है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हम, उसके बाद ऑनगोइंग अपकमिंग कैंपेन्स, मतलब कि क्रिएटर हब में आपको दिखाया जाता है, नोटिफाई किया जाता है कि जो जो नए कैंपेन्स आते हैं वो आपको यहाँ पर ऑनगोइंग बताए जाते हैं, और अपकमिंग जो आने वाले हैं और जो चल रहे वो दोनों ही कैंपेन्स आप यहाँ पर क्रिएटर हब में देख सकते हैं, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आप कैंपेन्स में भाग लेकर आपके प्रोफाइल वेरीफाइड बैज नहीं तो बैज भी आपको लग सकता है और साथ ही प्राइज भी वगैरह जीत सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है टिप्स ऑन इम्प्रूविंग योर क्रिएशन, मतलब कि आप यहाँ पर आपको टिप्स दी जाती है जो भी आप क्रिएट करते हो पोस्ट वीडियोस, उसमें आपको सिखाया जाता है कैसे इसको बेटर अच्छा अच्छे से अच्छा बना सकते हो। शेयर चैट एजुकेशनल टिप्स दी जाती है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मतलब कि शेयर चैट पर जो भी न्यू फीचर आते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन दी जाती है, अपडेट्स दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है फैक्ट्स, मतलब कि फ्रिक्वेंसली आस्क्ड क्वेश्चन, जो भी यहाँ पर क्रिएटर्स के द्वारा ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर यहाँ पर दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसके बारे में और यहाँ पर जान सकते हो। नेक्स्ट है लीडर बोर्ड, तो आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाता है आपकी कैटेगरी और अलग अलग जो भी शेयर चैट पर कैटेगरी चल रही है उसके बारे में आपको लीडर बोर्ड में रैंक वाइज दिया जाता है। जो भी यहाँ पर अच्छी पोस्ट करता है उसकी पोस्ट पर अच्छा एंगेजमेंट आता है तो आपको टॉप थ्री में और दर्शाया जाता है नंबर, और नेक्स्ट यहाँ पर 100 तक नंबर दिए जाते हैं जिसमें आपका टोटल परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। तो दोस्तों, बस यही आपको क्रिएटर हब में फीचर्स मिलने वाले हैं जो मैंने आपको दिखाए और समझाए। तो अब बात करते हैं कि क्रिएटर हब का फीचर आपको कैसे अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, इससे रिगार्डिंग मैंने शेयर चैट टीम के हेल्प एंड सपोर्ट में मैनेजर से बात की तो उन्होंने बताया कि शेयर चैट एप्लीकेशन में क्रिएटर हब का फीचर्स लेने के लिए आपकी प्रोफाइल पर पर्पल बैज लगा होना चाहिए, मतलब कि आपकी प्रोफाइल पर बैंगनी रंग का जो बैज आता है वो लगा हुआ होना चाहिए, तब आपको क्रिएटर हब का फीचर दिया जाता है। बस यही क्राइटेरिया है, गोल्डन बैज की जरूरत नहीं या फिर कोई भी अदर क्राइटेरिया की जरूरत नहीं, आपको कहीं पर भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बैंगनी रंग का बैज जैसे आपकी प्रोफाइल पर आ जाते हैं तो कुछ ही आपको दिनों में क्रिएटर हब का फीचर अवेलेबल किया
जाता है आपके प्रोफाइल पर। तो दोस्तों आई होप आपको सही जानकारी ठीक से सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ऐसे हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। अगर इस वीडियो में जो भी मैंने समझा है उसमें कोई भी अगर अभी भी आपको डाउट रह गया है तो कमेंट जरूर करना, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे आपको शेयर चैट पर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है यूज़ करने में या फिर कोई भी फीचर समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिए, अगला वीडियो इस टॉपिक पर लाने की जरूर से जरूर मैं कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।